यस हेलो एवरीवन। चलिए तो हम हमारी टीओसी की जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर है? तो हम लोगों ने टीओसी में काफी कुछ देख लिया था। हमने ये देख लिया था कि लैंग्वेज क्या होती है, ग्रामर क्या होती है। अब हम आज देखने वाले हैं ऑटोमेटा क्या होता है। मैंने आप लोगों को कहा था कि जो टीओसी है वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है पूरा, एक आपकी लैंग्वेज, ग्रामर और एटोमेटा। ये तीन चीजों को समझने के बाद हम कैपेबल हो पाएंगे टीओसी सब्जेक्ट पढ़ने के। मतलब अब हम जब हम ऑटोमेटा पढ़ लेंगे तब हमें समझ में आएगा कि टीओसी में है क्या, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में है क्या, और तब हमारी पढ़ाई शुरू हो पाएगी सही मायने में। ठीक है, तो अब आज की क्लास में हम देखेंगे ऑटोमेटा क्या होता है, कुछ हम एग्जाम्पल्स देखेंगे किससे रिलेटेड, लैंग्वेज और ग्रामर से रिलेटेड। और हम ये देखेंगे कि लैंग्वेज किस तरह से बनाई जाती है या ग्रामर किस तरह से बनाई जाती है। ये सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन सब जगह होता है, आपका एमसीए में भी होता है, एमटेक में भी होता है, बीटेक में भी होता है। ठीक है, किसी किसी यूनिवर्सिटी में हो सकता है इसको ना पढ़ाया जाए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, पढ़ना ही चाहिए। और इसका वेटेज बहुत ज्यादा होता है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की, चाहे मैं गेट की बात करूं, चाहे मैं नेट की बात करूं, अगर कोई इसरो की बात करे, डीआरडीओ की बात करे, कोई भी अगर हम इस तरीके का एंट्रेंस एग्जाम देखते हैं जो कि कंप्यूटर साइंस फील्ड से बिलोंग करता है, तो उस पर थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का क्वेश्चन आता ही है, और वो भी बहुत ही ज्यादा वेटेज के साथ आता है। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन और कंपाइलर डिजाइन, ये दो सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज रखते हैं। और जब हम टीओसी पढ़ लेते हैं, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पढ़ लेते हैं, तभी हमें कंपाइलर डिजाइनिंग सब्जेक्ट समझ में आता है। ठीक है, तो इसको पढ़े बिना आप कंपाइलर डिजाइन पढ़ने के लिए अगर जाओगे तो बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो तो अभी हम स्टार्ट करते हैं ऑटोमेटा क्या होता है। बिल्कुल सब जगह मैं बताऊंगा कि कैसे तैयारी होती है। जो आप गेट की तैयारी कर रहे हो ना, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब जगह काम में आने वाला है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गेट की तैयारी करने वालों के लिए काम का है, जो एमसीए में सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं उन लोग के भी काम में आएगा ये। और जो लोग एमटेक कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, इसरो की तैयारी करना चाह रहे हैं, नेट की तैयारी करना चाह रहे हैं, जो कि पीएचडी के लिए होता है, ये सब में काम आने वाला सब्जेक्ट है। और मैं जो पढ़ाता हूँ वो सबको ध्यान में रखते हुए पढ़ाता हूँ ताकि आप सबको ये फायदा मिले। ऐसा नहीं है कि किसी एक स्पेसिफिक को फायदा मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप इसको पढ़ रहे हो तो आपका सब जगह पे फायदा होगा। एन ऑटोमेटॉन इज एन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। जो आपके आज के जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं उसी का ही एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है ये। मतलब कि कई सालों पहले, जब कंप्यूटर बना भी नहीं था, उसके पहले ही ये थ्योरी दे दी गई थी, और इसी पे ही हमारा जो है ऑटोमेटा आया है, डिजिटल कंप्यूटर जो है वो आया है। ठीक है, तो अब ये जो सब्जेक्ट है ये सबको अलग अलग सेमेस्टर में हो सकता है, किसी को हो सकता है कि ना भी हो, वैसे तो होता ही है, लेकिन अगर देखा जाए तो थर्ड फोर्थ सेमेस्टर के बाद में इसको पढ़ाया जाता है, थर्ड फोर्थ सेमेस्टर पढ़ाया जाता है। लेकिन अब नहीं भी पढ़ाया जाए तब भी आप इसको पढ़ना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो ऑटोमेटा क्या होता है, इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। जो भी हमारे आज का डिजिटल कंप्यूटर है उसका ये समझ लो कि ये एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है। मतलब कि एक छोटा सा कंप्यूटर आप कह सकते हो, जो कि बहुत बड़े बड़े कंप्यूटेशंस कर सकता है। मतलब कि ऑटोमेटा कंप्यूटर जो काम कर सकता है वो ऑटोमेटा कर सकता है, आप ये समझ लो। ठीक है ना, मतलब कि बस ये है कि मॉडल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये समझ लो कि अगर आप चाहो तो आपका कंप्यूटर जो जो काम कर सकता है वो एक ऑटोमेटा कर सकता है। बस फर्क इतना होगा कि जो ऑटोमेटा का जो मॉडल है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा धीरे धीरे करके, और छोटा सा भी काम करने के लिए भी आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड करना पड़ेगा, जो कि कंप्यूटर में इतने सारे सर्किट्स आपको दिखते होंगे बने हुए, वो बहुत ही कॉम्पैक्ट वे में बने हुए होते हैं। ठीक है, अगर आप उसको धीरे धीरे अगर आप एक्सपेंड करोगे तो आपको पता चलेगा कि और कुछ नहीं, अगर आप उसके हर एक छोटे छोटे मॉड्यूल को अगर आप देखोगे तो वो किसी ना किसी ऑटोमेटा से रिप्लेस हो सकता है। ठीक है, इट हैज अ मैकेनिज्म फॉर रीडिंग इनपुट। इसमें एक मैकेनिज्म होती है जिसमें कि हम इनपुट को रीड कर सकते हैं। एन ऑटोमेटॉन हुज आउटपुट रिस्पॉन्ड इज लिमिटेड टू यस और नो इज कॉल्ड एक्सेप्टर। अब इस बात को मैं धीरे धीरे करके समझाता हूँ। देखिए, ऑटोमेटा जो होता है वो कई तरीके का हो सकता है। आपका फाइनाइट ऑटोमेटा होगा, डीएफए होगा, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, एनडीएफए होगा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, उसके बाद हम पुश डाउन ऑटोमेटा पढ़ेंगे। तो सब ऑटोमेटा, जितने भी हम ऑटोमेटास पढ़ने वाले हैं इस पूरे टीओसी में, कई टाइप के है ना, कई टाइप के हम ऑटोमेटास पढ़ेंगे, और सब में कुछ न कुछ अलग बात छुपी होगी,
अलग बात कैसे, जैसे कि मान लो कि किसी में स्टोरेज डिवाइस होगा, मतलब कि किसी ऑटोमेटा ऐसा हो सकता है जिसमें कि हमें स्टोर करने की कैपेसिटी दी जाए, पावर दी जाए। ऐसा भी ऑटोमेटा हो सकता है जिसमें कि हमें स्टोरेज कैपेसिटी नहीं दी होगी। तो सारे जितने भी हम ऑटोमेटा पढ़ेंगे उसकी पावर में डिफरेंस होगा। पावर में डिफरेंस मतलब कि कौन क्या काम कर सकता है उसमें डिफरेंस हो सकता है। लेकिन अगर हम सारे टाइप्स के ऑटोमेटा पढ़ लेते हैं तो वो हर एक काम को करने के लिए कोई ना कोई आपको ऑटोमेटा मिल जाएगा। लेकिन सबका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा उसको मैं समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी हम टाइप्स ऑफ ऑटोमेटा पढ़ेंगे उसका जो बेसिक मॉडल है वो इस तरीके से होगा कि हमें एक इनपुट फाइल दी होगी। उस इनपुट फाइल को एक्सेप्ट करेगा हमारा कंट्रोल यूनिट, और साथ में हो सकता है कि कुछ टेम्पररी स्टोरेज मेमोरी लोकेशन को वो यूज करे इस इनपुट फाइल को प्रोसेस करने के लिए और हमें आउटपुट प्रोड्यूस करे। तो बिल्कुल ये हमारा कंप्यूटर जैसा ही तो काम हो गया। कंप्यूटर में भी तो हम यही करते हैं कि कुछ हम इनपुट लेते हैं, हो सकता है कि कुछ को हम स्टोर भी करना पड़े, स्टोरेज डिवाइस की भी हमें जरूरत पड़ती है। कंट्रोल यूनिट हमारा उसको प्रोसेसिंग करेगा और हमें आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। लेकिन ये थ्योरिटिकल बातें हैं, मतलब कि अगर हम इसको देखें तो ये डिजिटल कंप्यूटर जैसा नहीं है। डिजिटल कंप्यूटर जो है होता है वो आपका एक्चुअल में वर्किंग मॉडल है, ये उसका थ्योरिटिकल मॉडल है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मॉडल जिसको कि हम कह सकते हैं। तो इसको आसान भाषा में अगर हम समझे, बहुत ही छोटे एग्जाम्पल समझते हैं ना, बिल्कुल छोटे से छोटा कंप्यूटर, एक छोटे से छोटा कंप्यूटर है जो कि कोई एक लैंग्वेज पे काम करने वाला है। अब हमने प्रीवियस वीडियोस में क्या क्या पढ़ लिया, हमने प्रीवियस वीडियो में ये पढ़ा कि अगर हमें कोई भी लैंग्वेज अगर बनानी है तो सबसे पहले मुझे सेट ऑफ अल्फाबेट्स डिसाइड करने पड़ेंगे। तो जैसे कि मान लो कि मैंने डिसाइड किया कि मेरे पास सेट ऑफ अल्फाबेट्स हो गए ए और बी, ये मेरे पास सेट ऑफ अल्फाबेट्स हो गए। उस अल्फाबेट को यूज करके मैं कोई ग्रामर बनाऊंगा, ठीक है। जैसे कि मान लो कि मैंने कोई एक ग्रामर बना दी, एस टेंस टू ए एस बी और फिर एस टेंस टू लैम्डा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, ये कौन सी लैंग्वेज जनरेट करेगा, ये ऐसी लैंग्वेज को जनरेट करेगा जिसमें नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी जो है वो इक्वल होंगे, मतलब कि ए पावर एन बी पावर एन, और यहाँ पर एन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये सब हम प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो ये मेरा सेट ऑफ अल्फाबेट्स हो गए, ये मेरी ग्रामर हो गई और ये मेरी लैंग्वेज हो गई। ग्रामर से लैंग्वेज जो होती है वो जनरेट होती है, इसलिए हम ग्रामर को क्या बोलते हैं, जनरेटर। ये भी मैंने आप लोग को पिछली क्लास में बता दिया था कि हम ग्रामर को देख के लैंग्वेज को जनरेट करते हैं। अब हमारे पास लैंग्वेज बन के तैयार हो गई। जैसे कि एक दूसरा एग्जाम्पल से मैं समझाऊं और आसान भाषा में, कि आपने सेट ऑफ अल्फाबेट्स डिसाइड कर ली और आपने ग्रामर से एक लैंग्वेज बना दी। ये लैंग्वेज मान लो सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है, जावा है, कोई भी एक लैंग्वेज है, ठीक है। अब इस लैंग्वेज को यूज कर कर आप अपना प्रोग्राम बनाओगे और उस प्रोग्राम को आप कंपाइलर में कंपाइल करने के लिए दोगे। अब कंपाइलर क्या करेगा, सबसे पहला काम कंपाइलर का सबसे पहला काम ये होगा कि वो उस लैंग्वेज को चेक करे, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करके चेक करे कि क्या ये वैलिड प्रोग्राम है, इसमें कोई सिंटेक्टिकल एरर है या नहीं। वो कैसे चेक करेगा, वो इस ग्रामर के ऊपर चेक करेगा कि ये जो ग्रामर है उस जो भी आपने लैंग्वेज लिखी है, लैंग्वेज लिखी है मतलब कि जो भी आपने वर्ड्स लिखे हैं, जो भी आपने स्ट्रिंग लिखी है वो इस ग्रामर को बिलोंग कर रही है या नहीं। तो वो कैसे चेक करेगा, एक एक वर्ड को लेगा, एक एक टोकन को उठाएगा, उसको वो पार्स करेगा और चेक करेगा कि क्या वो इस ग्रामर को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अगर वो इस ग्रामर को सेटिस्फाई करेगा तो वो उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो वो उस लैंग्वेज को रिजेक्ट कर देगा। मतलब वो चेक कर रहा है कि वो जो लैंग्वेज, ये जो ग्रामर ने जो ये लैंग्वेज जनरेट करी है वो सही है या नहीं। अगर इसको, मतलब कि आप ये समझ रहे हो कि आप ये आपका ये कंपाइलर है, इसमें इस लैंग्वेज को पार्स किया जाएगा। अब अगर मान लो कि ये लैंग्वेज सही हुई तो इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और नहीं तो इसको रिजेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये जो कंपाइलर है ना वो इस तरीके का यहाँ पर काम करने वाला है ऑटोमेटा। जो भी आप स्ट्रिंग जनरेट करोगे आपका यहाँ पर वो चेक करेगा ऑटोमेटा, और अगर अगर वो लैंग्वेज जो आपने दी है वो उसी ग्रामर को, रूल्स को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम बोलेंगे कि वो लैंग्वेज जो है वो एक्सेप्ट हो गई है, नहीं तो वो रिजेक्ट हो गई है। इसीलिए ऑटोमेटा को आप एक्सेप्टर भी बोलोगे। ये एक तरीके का वर्किंग मॉडल हो सकता है ऑटोमेटा का। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। तो यहाँ पर ये सबसे सिंपलेस्ट होता है ऑटोमेटा, जो सिर्फ यस और नो में रिप्लाई देगा आपको। मतलब कि अगर आपकी लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रही है तो वो बोल देगा यस, और अगर आपकी लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं हो रही है
तो वो बोल देगा नो, और इस तरीके के ऑटोमेटा को आप बोल दोगे एक्सेप्टर। इस तरह के ऑटोमेटा को क्या बोलोगे आप? एक्सेप्टर। ठीक है, तो वही लास्ट पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, एन ऑटोमेटॉन हुज आउटपुट रिस्पॉन्स इज लिमिटेड। अगर मान लो कि कोई एक ऐसा ऑटोमेटा हम बनाते हैं जिसका जो आउटपुट मिलने वाला है वो लिमिटेड होगा, और वो लिमिटेड क्या होगा कि या तो वो यस बोल सकता है और या तो वो नो बोल सकता है। इस तरीके के ऑटोमेटा को हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर। तो ऑटोमेटॉन इज ऑल्सो एन एक्सेप्टर। तो ग्रामर से जनरेट होती है लैंग्वेज, और ऑटोमेटा चेक करता है कि वो लैंग्वेज एक्सेप्टेड है या नहीं। मतलब कि एक तरीके से चेक बोल सकते हो कि कंपाइलर जो उसको सिंटेक्टिकली चेक करता है कि यहां पर आपका प्रोग्राम सिंटेक्टिकली करेक्ट है या नहीं, तो वो भी एक तरीके का ऑटोमेटा है। आ गई बात समझ में? थोड़ा बहुत समझ में आया, अभी मैं और डिटेल में समझाता हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए थोड़ी सी देर के लिए आप ये मानो कि अभी आपके पास स्टोरेज नहीं है। ठीक है, अभी मैं एक ऐसा ऑटोमेटा बता रहा हूं जिसमें कि आपको स्टोरेज की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक इनपुट स्ट्रिंग आई। ठीक है, आपके पास एक इनपुट स्ट्रिंग आई ए ए बी बी। ठीक है, आपके पास ये इनपुट स्ट्रिंग आई ए ए बी बी, और अब आपको ये चेक करना है कि ये जो स्ट्रिंग है ये मेरी इस ग्रामर को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। ठीक है, हमें ये चेक करना है कि ये मेरी ग्रामर दी हुई है, ये मेरी ग्रामर दी हुई है, इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी इक्वल होंगे। तो मुझे ये स्ट्रिंग दी हुई है, मुझे ये चेक करना है। तो अगर मेरे पास एक तरीके का ऑटोमेटा ऐसा भी होता है, फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसमें कि हमारे पास स्टोरेज के लिए कुछ भी नहीं होता, मतलब हम कुछ भी चीज स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेरे पास ये इनपुट फाइल आ गई, आप इसको मान सकते हो कि ये एक टेप है। ये टेप मतलब कि स्टोरेज, मतलब कि इनपुट जहां पर आता जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपका इनपुट रखा हुआ है ए ए बी बी। अब आपके पास इसको स्टोर करने की, मतलब कि आप इसको प्रोसेस कर सकते हो इस इनपुट को, लेकिन कहीं पर स्टोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अब आप इस प्रोसेस कर रहे हो, तो प्रोसेस कैसे करोगे? एक कैरेक्टर को एक स्टेट में सप्लाई करोगे। तो सबसे पहला स्टार्ट करोगे, और स्टार्टिंग स्टेट आप बोल दोगे Q0, है ना। हमेशा यहां पर हम एक कैरेक्टर को रीड करने के लिए एक स्टेट का यूज करेंगे। ठीक है, एक कैरेक्टर को रीड करने के लिए एक स्टेट का यूज करेंगे। तो मान लो कि हमने सबसे पहले हमने ए लिया, तो ए क्या है? स्टार्टिंग सिंबल है। तो स्टार्ट हम हमेशा करते हैं Q0 से, ये स्टेट होती है। Q0, Q1, Q2 से हम स्टेट को डिनोट करते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा कि Q0 जो है वो एक्सेप्ट, अगर मान लो कि ये जो स्टेट है, ये स्टेट अगर ये हमारा जो स्ट्रिंग है इसको सप्लाई कर रहा है, मतलब कि हमारे जो पहला कैरेक्टर आया है अगर वो इस ग्रामर को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम इसको अगली स्टेट पर भेज देंगे। तो हम बोल देंगे कि हाँ, इसका मतलब हमने सबसे पहले ए को रीड किया, हमारा ग्रामर भी बोल रहा है कि हाँ जो स्ट्रिंग है वो ए से स्टार्ट हो सकती है, मतलब हमने ए को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, फिर हम अगले कैरेक्टर पे आएंगे, लेकिन अगले कैरेक्टर पे जाने के लिए हमें दूसरी स्टेट की जरूरत पड़ेगी। उस स्टेट को हमने थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं Q1। ऐसा भी हम कर सकते हैं कि Q0 स्टेट को ही इस्तेमाल कर ले, लेकिन अभी मैं आसान भाषा में, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक स्टेट, एक कैरेक्टर के लिए हम एक स्टेट ले रहे हैं। तो फिर हम अगले कैरेक्टर पर चले जाएंगे और हम अगली स्टेट पर पहुंच जाएंगे। फिर हमें पता चला हम ए कितनी बार भी लिख सकते हैं इस ग्रामर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अभी भी हमने इसको मान के चल रहे हैं, और हम ये मान रहे हैं कि नंबर ऑफ बीज हमें उतने ही मिल जाएंगे। तो हम अगली स्टेट पर चले जाएंगे, और हम अगली स्टेट पर चले गए Q3। फिर मान लो कि हमने इसको भी हमने वैलिड मान लिया, और हम अगली स्टेट पे चले गए Q4। और जब हमारी स्ट्रिंग एंड हो गई, तो अब हम चेक करेंगे कि जो हम आखिरी स्टेट पर पहुंचे हैं वो फाइनल स्टेट है या नहीं। फाइनल स्टेट को डबल सर्कल से डिनोट कर दिया जाता है। तो अगर हमारी फाइनल स्टेट पर हम पहुंच चुके हैं, तो हम ये बोलेंगे कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्टेड है। हम क्या बोलेंगे? कि हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है। और अगर आप इस इनपुट फाइल की जो स्ट्रिंग है उसको आप रीड करते जा रहे हो, और लास्ट में आप ऐसी स्टेट पर पहुंच जाते हो जो कि फाइनल नहीं है, तो आप बोलोगे कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो रिजेक्टेड है। तो इसका मतलब कि हमने एक ऐसा ऑटोमेटा बन के तैयार कर लिया जो कि ये चेक करेगा कि हमारी जो ग्रामर है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारी जो लैंग्वेज है, वो इस ग्रामर को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं, मतलब वो हमारी लैंग्वेज जो है वो एक्सेप्टेड है या नहीं। आई बात समझ में? ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको स्टोरेज मिल जाए, ऐसा भी एक ऑटोमेटा हो सकता है। तो
तो अब ऑटोमेटा की पावर के ऊपर डिपेंड करता है और उसकी फंक्शनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आप उसको यूज करते हो। धीरे धीरे हम टाइप्स ऑफ ऑटोमेटा पढ़ते जाएंगे तो हमें समझ में आता जाएगा कि कब हमें स्टोरेज की जरूरत पड़ती है, कब हमें स्टोरेज की जरूरत नहीं पड़ती है, किस तरीके से हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना है। ये बातें धीरे धीरे करके समझ में आने लगेगी। मैं सिर्फ ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ कि ऑटोमेटा क्या होता है। ऑटोमेटा आप ऐसा समझ सकते हो कि ये एक मशीन ही है, एक छोटा कंप्यूटर ही है, आप ऐसा मान सकते हो, आपके डिजिटल कंप्यूटर का एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है। तो जो आपका कंप्यूटर कर सकता है वो ये ऑटोमेटा कर सकता है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ ऑटोमेटा हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो हम समझ में आता जाएगा कि हम किस तरीके से अपना अलग अलग ऑटोमेटा बना सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन अभी मैंने सिर्फ ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया है ऑटोमेटा के ऊपर। हम पूरे टीओसी में ऑटोमेटा के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आई बात समझ में? इसमें यहां तक की तो किसी भी बात में किसी कोई डाउट नहीं है, सब क्लियर है? चलो तो अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स करते हैं। हाँ रोमन बोलो, क्या बोल रहे हो? 524 मार्क्स है निमसेट में, एससी बेस पर कुछ मिल सकता है? बिल्कुल मिल जाएगा आपको, 524 आपके मार्क्स अगर निमसेट में आ रहे हैं आपको टॉप एनआईटी मिल जाएगा, आप बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है। आप अपनी आगे की पढ़ाई स्टार्ट कर दो, आपको टॉप 5 एनआईटी आराम से मिल जाएगा, इवन टॉप 3 भी मिल सकता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो बिना किसी टेंशन को दिए, ठीक है। चलो तो अब एक एग्जाम्पल करते हैं, अब एक एग्जाम्पल करते हैं। ये एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद आपको खुद करना पड़ेगा। तो अब आपको क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, अभी हम एक तरीके का क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें आपको लैंग्वेज दी हो सकती है। क्वेश्चन आपको दिया होगा कि आपको एक लैंग्वेज दी होगी और आपसे बोला जाएगा कि बताओ इसकी ग्रामर कौन सी हो सकती है, ठीक है। दूसरे तरीके का क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि आपको ग्रामर दी होगी और आपको पता लगाना होगा कि इसकी लैंग्वेज कौन सी है, ठीक है। ये दो तरीके के क्वेश्चन अभी हम सीखने वाले हैं। अगर आपको लैंग्वेज दी हो तो ग्रामर निकालने को पूछा जा सकता है, और ग्रामर दी हो तो लैंग्वेज निकालने को दिया जा सकता है। मैंने ये देखा है कि ग्रामर से लैंग्वेज निकालने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत इजीली बच्चे निकाल लेते हैं। अगर आपको ऑप्शन दिया होता है तो बहुत आसान हो जाता है, और अगर आप ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो तो ऑप्शन दिया होता है, तो ग्रामर से लैंग्वेज हो चाहे लैंग्वेज से ग्रामर हो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाती है, ऑप्शन आपको हेल्प कर जाता है काफ़ी हद तक। लेकिन अभी हम बिना ऑप्शन के उसको सॉल्व करने को सीखेंगे, ठीक है, ताकि हमारी थिंकिंग डेवलप हो सके। तो अभी जो सबसे पहली हम वैरायटी देख रहे हैं कि हमें लैंग्वेज दी होगी और उससे ग्रामर कैसे निकालते हैं या कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो आपको ये लैंग्वेज दी हुई है, आपको इसको पढ़ के समझ में आना चाहिए कि ये क्या कहना चाह रहा है। लैंग्वेज हमें दी है ए पावर एन बी पावर एन प्लस वन, और एन की वैल्यू दी है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये बात आई समझ में? अब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब क्या, आपको सब कुछ विजिबल है ना प्रॉपरली, ब्लर तो नहीं हो रहा ना, ठीक है, सही दिख रहा है। तो यहां पर हमें दिया हुआ है a पावर n b पावर n प्लस वन, और n की वैल्यू जो है वो बोला जा रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो सबसे पहले छोटी वैल्यू रख दो, n की वैल्यू जीरो रख दो। तो अगर मैं n की वैल्यू जीरो रख दूं तो a तो चला जाएगा, b बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम थोड़ी सी अगर शुरुआत में, अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये कौन कौन से वर्ड्स को जनरेट कर रहा है। तो अगर मैं n की वैल्यू को अगर मैं जीरो रख दूं तो इसका मतलब यह है कि a तो नहीं आएगा लेकिन b आएगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग जो इसमें बनने वाली है वो है b। फिर अगर मैं n की वैल्यू को 1 रख दूं, अगर मैं n की वैल्यू को 1 रख दूं तो a एक बार आएगा और b दो बार आएगा। अगर मैं n की वैल्यू को रख दूं 2 तो a दो बार आएगा और b तीन बार आएगा। तो इस तरह से मुझे ये बात पता चल गई कि मेरी ये जो लैंग्वेज है इसके अंदर जो भी वर्ड्स होंगे उसमें b जो है एक ज्यादा होगा a से। तो नंबर ऑफ a और नंबर ऑफ b में एक का डिफरेंस होगा। नंबर ऑफ a अगर 2 है तो नंबर ऑफ b 3 होंगे, अगर नंबर ऑफ a 3 होंगे तो नंबर ऑफ b 4 होंगे, और कम से कम एक b तो होगा ही होगा, कम से कम एक b तो होगा ही होगा। अब मुझे इसकी एक ग्रामर बनानी है, ठीक है। अब आपको पता है कि जब भी आप कभी ग्रामर बनाते हो तो आपको सबसे पहले एक टर्मिनल चाहिए होता है और सेट ऑफ
वेरिएबल्स चाहिए होते हैं। ठीक है, अब वेरिएबल आप कितने लेना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन टर्मिनल आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो अल्फाबेट्स होते हैं वही टर्मिनल होते हैं। तो यहाँ पर आप ए और बी के अलावा कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, मतलब कि आपके सेट ऑफ अल्फाबेट्स यहाँ पर हो गए ए और बी, मतलब आपकी जो लैंग्वेज है उसमें आप दो अल्फाबेट्स यूज करने वाले हो, ए और बी। ये बात तो हमें क्लियर हो गई। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो वेरिएबल मतलब वेरिएबल हमारा हो गया एस, जो कि स्टार्टिंग सिंबल होता है, और इससे हमें सबसे पहले जाना है बी। अब आप देखो कि कम से कम मुझे बी तो चाहिए ही है। अब बी आप देखोगे तो बी लास्ट में आ रहा है और ए जो है वो शुरुआत में आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ए के शुरुआत में मैं एक वेरिएबल लिख देता हूँ, उस वेरिएबल का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एस से मैं स्टार्ट करूंगा और उसको मैं लेके जाऊंगा वेरिएबल ए बी पर। ए मेरा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, और बी जो है वो टर्मिनल हो गया। अब मुझे बताओ कि अगर मुझे यहाँ पर बी बनाना है, अगर मुझे यहाँ पर बी बनाना है तो मुझे ए की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, मुझे ए की जगह पर लिखना पड़ेगा लैम्डा। लैम्डा मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग, तो इसका मतलब ये है कि ए को मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा लैम्डा से। अगर मैं ए को लैम्डा से रिप्लेस कर दूंगा तो मेरे पास बी बन जाएगा, लेकिन अगर मुझे ए बी बी बनाना है तो क्या करना पड़ेगा। ए बी बी बनाने का मतलब ये है कि मेरे पास एक बी तो आ चुका है, अब मुझे एक ए और एक बी चाहिए है, तो इसका मतलब ये है कि मैं ए से शुरू करूंगा और बी पे खत्म करूंगा। और फिर मुझे ये प्रोसेस कितनी बार भी रिपीट करनी पड़ सकती है, एक तरीके का रिकर्जन है, एक तरीके का रिकर्जन है कि आपको ए बी ए ए बी बी ए बी 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 कितनी बार भी लगाना पड़ सकता है। तो यहाँ पे आप लिख दो कैपिटल ए, तो कैपिटल ए लिखने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिकर्जन हो जाएगा। तो कितनी बार भी आप ए को रिप्लेस कर सकते हो ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी से, जिसमें शुरुआत में ए आता जाएगा, आखिरी में बी आता जाएगा, और जब भी आपको टर्मिनेट करना है तो वहां पर आप उसकी जगह ए की जगह पर आप लैम्डा से रिप्लेस कर दोगे। ठीक है, ऑब्लिक करके आप लिख सकते हो। ऑब्लिक करने का मतलब ये होता है कि या तो ये वाला रूल चलेगा या तो ये वाला रूल चलेगा, मतलब कैपिटल ए की जगह पर आप चाहो तो लैम्डा से भी रिप्लेस कर सकते हो या फिर ए कैपिटल ए बी से भी रिप्लेस कर सकते हो। और पहला हमने स्टार्ट किया है बी से, मतलब कि कम से कम एक बी तो होगा ही, और ए जो है वो कितनी बार भी आ जाए, बी कितनी बार भी आ जाए, यहाँ पर नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी इक्वल होंगे, लेकिन हमने शुरुआत में एक बी अपेंड कर दिया है, इसका मतलब हमेशा नंबर ऑफ बी जो है वो एक ज्यादा होगा नंबर ऑफ ए से। आप इसको इस तरीके से भी यहाँ पर लिख सकते हो। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया एस से और हमने एंड में यहाँ पर लगा दिया बी, क्योंकि हमें पता है कि हमें बी तो चाहिए ही है, और फिर यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लगा दिया ए। अब इस ए वेरिएबल को हम रिप्लेस कर देंगे स्मॉल ए कैपिटल ए बी से, मतलब कितने भी ए और कितने भी बी हम लगा सकते हैं, नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी लेकिन बराबर होंगे, और जब भी हमें टर्मिनेट करना होगा तो हम इसको लैम्डा से रिप्लेस कर देंगे। तो ये हमारी लैंग्वेज थी और इसको इस्तेमाल करके हमने ग्रामर बना दी इस तरीके के थॉट प्रोसेस को यूज करके। तो सबसे पहले आप लैंग्वेज में ये पता करने की कोशिश करो कि कौन कौन से इसमें वर्ड्स बनने वाले हैं और उस वर्ड को बनाने के लिए क्या ग्रामर चाहिएगी। जरूरी नहीं है कि जो मैंने ग्रामर बनाई है आप भी वही ग्रामर बनाओ, एक लैंग्वेज के एक से ज्यादा ग्रामर बन सकते हैं, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, लेकिन जब भी आप ग्रामर बनाओ तो स्टूडेंट गलती क्या कर देते हैं, वो दोबारा से इसको चेक नहीं करते हैं कि ये सही है या नहीं। जब भी आप ग्रामर बनाओ तो आप अपनी ग्रामर को गलत साबित करने की कोशिश करो, मतलब कि आपने जब ये, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, सब टीचर पढ़ा तो देते हैं लेकिन गलती पकड़ना कोई नहीं सिखाता है, बहुत कम टीचर्स होते हैं जो गलती पकड़ना सिखाते हैं, तो वो चीज़ आपको समझनी है, एग्जाम में आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। तो गलती को कैसे पकड़ोगे, आपने अपनी ग्रामर लिख ली और आपके टीचर ने आपके मार्क्स काट दिए, क्यों, क्योंकि आपने उन्होंने बोला कि आपकी ग्रामर जो है वो ऐसी स्ट्रिंग को भी जनरेट कर रही है जो आपकी लैंग्वेज में नहीं है। आपकी ग्रामर ऐसी होनी चाहिए जो सिर्फ उन्हीं स्ट्रिंग्स को जनरेट करे जो आपकी लैंग्वेज में है। अगर आपकी ग्रामर ए बी को जनरेट कर रही है तो आपने गलत ग्रामर बनाई है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी बराबर हो गए हैं लेकिन आपकी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ बी जो है वो एक ज्यादा होना चाहिए। तो अगर आपकी लैंग्वेज अगर ए बी बना रही है, मतलब आपकी लैंग्वेज गलत है। तो जब भी कभी आपने ग्रामर बना ली तो आप ये मान के चलो कि आपने गलत ग्रामर बनाई है,
आप उसको गलत साबित करने की कोशिश करो, ऐसी स्ट्रिंग जनरेट करने की कोशिश करो जो कि आपके लैंग्वेज में नहीं है। अगर आप उसको गलत साबित करने में असमर्थ हो जाते हो, मतलब कि आप से ये ग्रामर आपकी गलत नहीं आप प्रूव कर पा रहे हो, तब आप मानना कि ये सही है, मतलब कि आपने ग्रामर बनाई अपना दिमाग लगा के, और फिर ये मान लो कि ये गलत है, और अगर गलत नहीं साबित कर पाते हो तब मानना कि ये सही है। ये तरीका होता है पता लगाने का कि आपने जो ग्रामर बनाई है वो सही है या नहीं। बात आई समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है मैंने, ये बात आपको पूरे टीओसी में बहुत काम आने वाली है। बात आई समझ में? बोलो, क्लियर हुई बात? तो अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आपको अब करना रहेगा, ठीक है? लैंग्वेज से ग्रामर बनाना और ग्रामर से लैंग्वेज बनाना हम सीखने वाले हैं। चलो तो मैं एक एग्जांपल देता हूं। अब देखो, ये भी मैं आपको करके बता दूंगा। अब ये हमें ग्रामर दी हुई है और अब हमें लैंग्वेज बनानी है। अभी हमने क्या देखा? अभी हमने देखा कि हमें लैंग्वेज दी हुई थी और उससे हमें ग्रामर बनानी थी। अब ये एग्जाम्पल ऐसा है जिसमें हमें ग्रामर दी हुई है और हमें लैंग्वेज पता करनी है कि ये लैंग्वेज कौन सी है, ठीक है? आपको बोला गया है कि अल्फाबेट्स जो हैं वो है ए कॉमा बी, एंड लेट एन ए डब्ल्यू एंड एल बी डब्ल्यू डिनोट्स द नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बीज इन द स्ट्रिंग डब्ल्यू। आपके पास कोई एक स्ट्रिंग है, उसमें अगर आप नंबर ऑफ ए की बात करते हो तो नंबर ऑफ ए जो होता है वो होता है एन ए डब्ल्यू। तो अगर आपको कहीं पर भी एन ए डब्ल्यू लिखा हुआ मिले तो आप समझ जाना कि यहां पर आप कर कह रहे हो कि आपके पास एक वर्ड है और उसमें नंबर ऑफ ए की बात आप कह रहे हो। अगर आपको नंबर ऑफ बी को बात करना है तो आप बोलोगे एन बी डब्ल्यू, ठीक है? ये यहां पर लिखा हुआ है रिस्पेक्टिवली। देन द ग्रामर जी विद द प्रोडक्शन, तो आपको ये ग्रामर दी हुई है, अब आप इस ग्रामर को अच्छे से देखो और मुझे बताओ कि इसकी लैंग्वेज क्या होगी। बताओ जरा, इस ग्रामर को अच्छे से पढ़ो और देखो कि ये लैंग्वेज क्या होगी। अब आपने कहा पंपिंग लेमा समझाइए, ठीक है? अब मुझे बताओ अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूं। देखो यहां पर वो लोग मत पढ़ो जो कि है ना सब पढ़े आए हो, मेरे साथ पढ़ रहे हो ना, तो मेरे साथ अगर पढ़ रहे हो तो ये वो चैनल नहीं है कि आपके डाउट दूर करने की क्लास नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी जब आप पढ़ रहे हो तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस करो। अभी आपने पंपिंग लेमा पूछ लिया, क्या मेरे साथ जितने बच्चे पढ़ रहे हैं क्या उन्होंने पंपिंग लेमा सुना भी होगा? इसमें से कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने पंपिंग लेमा सुना भी नहीं होगा, ठीक है ना? तो जब मैं वो पढ़ाऊंगा, जब मैं वहां पर पहुंचूंगा तब मैं पढ़ाऊंगा। अभी हम वहां पर नहीं पहुंचे हैं, अभी हम स्टार्ट से पढ़ रहे हैं, तो अभी हमें बेसिक से पढ़ते हुए जाना है, ठीक है ना? आपने ये भी बोला कि आपको अभी तक का ऐसा कोई भी चैनल नहीं दिखा जिसने कि इतना क्लियरली समझाया है ना। नो चैनल इज एबल टू एक्सप्लेन इट वेरी क्लियरली। बिल्कुल, मैं आपको सब चीज समझाऊंगा, लेकिन पेशेंस रखो, धीरे धीरे चलो, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? स्टेप बाय स्टेप जो चीज अभी मैं पढ़ा रहा हूँ पहले उस पर फोकस करो, ठीक है सौरभ? चलो अब इसकी लैंग्वेज बताओ क्या होगी, इस ग्रामर की लैंग्वेज क्या होगी? देखो अब अगर किसी को नहीं समझ में आए तो मैं बताता हूं कि क्या करो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ना कि ये कौन सी ग्रामर है, तो सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस बनाओ, सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस बनाओ और देखो कि इससे कौन कौन से वर्ड्स बनने वाले हैं। कैपिटल लेटर में जो लिखा है वो वेरिएबल होता है, स्मॉल लेटर में लिखा है वो टर्मिनल होता है, और लैम्डा जो होता है वो एम्प्टी स्ट्रिंग होती है, ठीक है? तो सबसे छोटी स्ट्रिंग कौन सी बनेगी? तो आपने एस से शुरू किया और एस एस पर एंड किया, सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या बनेगी? सबसे छोटी स्ट्रिंग में आप दोनों में लैम्डा डाल दोगे तो लैम्डा मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग, तो सबसे छोटी स्ट्रिंग बन सकती है एम्प्टी स्ट्रिंग। सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या बन सकती है? एम्प्टी स्ट्रिंग जिसमें एक भी वर्ड ना हो, ठीक है? अब इस पहले वाले एस को और दूसरे वाले एस को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो? ए एस बी से और बी एस ए से, मतलब कि आप ए से शुरुआत कर सकते हो और बी से एंड कर सकते हो, या फिर आप बी से शुरुआत कर सकते हो और ए से एंड कर सकते हो। इसका मतलब कि अगर मैंने एस टेंस टू एस एस लिखा हुआ है
तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि पहले वाले एस की जगह पर लिख दूं ए एस बी और दूसरे वाले एस को एज इट इज छोड़ दूं, ठीक है। अब इस मिडिल वाले एस को मैं लैम्डा लगा दूं और इस वाले एस को भी मैं लैम्डा लगा दूं, मतलब ए बी बन जाएगा। तो ए बी भी एक स्ट्रिंग बन सकती है। उसी तरीके से अगर मैंने एस से शुरुआत करके एस एस पर लगाया, तो एस से हमारा पहले वाले एस में अब मैंने बी एस ए डाल देता हूं, तो बी एस ए, और दूसरे वाले एस को मैं एज इट इज रहने देता हूं, और फिर अगर मैं इसको लेमडा से रिप्लेस कर दूं तो बी ए बन जाएगा। मतलब कि मेरे पास कौन कौन सी स्ट्रिंग बन सकती है, ए बी भी बन सकता है, बी ए भी बन सकता है, ठीक है। सर समझ नहीं आया, मतलब इस जनरेट ग्रामर बनानी है, ग्रामर नहीं बनानी है, ग्रामर तो हमें दी हुई है, अभी आ जाएगा समझ में, नया सब्जेक्ट है ना, आ जाएगा समझ में, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। देखो ये ग्रामर दी हुई है, हमें बताना है कि ये ग्रामर से कौन कौन से वर्ड्स बन सकते हैं और उससे लैंग्वेज बनानी है, आ जाएगा अभी सब समझ में आ जाएगा, बिल्कुल पेशेंसली समझते जाओ। हमें ये देखना है कि ये जो हमें रूल दिया हुआ है, इस रूल को अगर मैं फॉलो करूं तो मैं कौन कौन से वर्ड्स बना सकता हूं। अभी तो आप ग्रामर वगैरह सब भूल जाओ, ठीक है ना। अब तो आप आसान भाषा में ये सोचो कि आपको ये प्रोडक्शन रूल दिया हुआ है, इस प्रोडक्शन रूल को यूज करके आप कौन कौन से वर्ड बना सकते हो, जो आपके दिमाग में आए वो करो, जो आपके दिमाग में आए वो करो, और इससे वर्ड्स बनाकर देखो और देखो कि क्या पैटर्न बन रहा है। ये जो वर्ड्स बन रहे हैं इसके पैटर्न को एनालिसिस करेंगे हम, जो आपके मन में आ रहा है, जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है वही करना है, आपके दिमाग में जो आ रहा है आप वो रूल लगाओ और आप ये देखो कि कौन कौन से वर्ड्स बनते जा रहे हैं और फिर उसके पैटर्न को एनालिसिस करेंगे, ठीक है। मैं तीसरा लिखता हूँ, एस से शुरू करता हूँ, अब मैं पहले वाले एस को रिप्लेस कर देता हूँ थर्ड नंबर के रूल से, तो ये आ जाएगा ए एस बी, और दूसरे वाले एस को मैं रिप्लेस कर देता हूँ फोर्थ रूल से, मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी एस ए, और अब मैं एस की जगह पर लैम्डा डाल देता हूँ, तो यहां पर आ जाएगा ए बी बी ए। तो ऐसी भी स्ट्रिंग बन सकती है ए बी बी ए। तो अगर मैं नोटिस करूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि ए बी बी ए किसी भी ऑर्डर में आ सकता है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ए से शुरू हो बी पे खत्म हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बी पे शुरू हो ए पे खत्म हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ए बी बी ए आ जाए या फिर ए ए बी बी आ जाए, ऐसे सारी स्ट्रिंग्स बन सकती है। लेकिन सबकी खास बात यह है कि हर स्ट्रिंग में नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी बराबर होंगे, ठीक है। इसका मतलब कि अब हमने अगर इस पैटर्न को एनालिसिस किया, मैंने सारे वर्ड्स बना दिए और मैंने इस पैटर्न को एनालिसिस किया, तो मुझे ये तो समझ में आ गया कि ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि मेरी स्ट्रिंग ए से शुरू होगी या बी से शुरू होगी, कोई फिक्स नहीं है। ये भी फिक्स नहीं है कि स्टार्टिंग में ए आएगा और एंड में बी आएगा, नहीं, ऐसा भी कोई फिक्स नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि ए के बाद बी आ जाए, बी के बाद ए आ जाए, ए बी बी ए आ जाए, ए ए बी बी, कुछ भी आ सकता है। हाँ, लेकिन इसमें एक पैटर्न जरूर देखने को मिल रहा है कि जितनी बार ए आएगा उतनी बार बी आएगा, और हमें बोला भी गया है क्वेश्चन में कि एन ए डब्ल्यू जो बता रहा है वो बता रहा है नंबर ऑफ एज और एन बी डब्ल्यू बता रहा है नंबर ऑफ बीज। तो इसका मतलब कि मेरी लैंग्वेज में, मेरी लैंग्वेज जो है एल, वो क्या है, वो इस तरीके की है कि जिसमें नंबर ऑफ बी जो है वो बराबर होंगे, ये मेरी लैंग्वेज है। बस हो गया काम, ये मेरी लैंग्वेज हो गई, आ गई बात समझ में। तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया ये मेरा आंसर हो गया कि ये जो लैंग्वेज है इसमें हमारे जो भी वर्ड्स होंगे, जो भी वर्ड्स होंगे उसमें नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी जो है वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो मेरी लैंग्वेज क्या बन गई, मेरी लैंग्वेज बन गई कि ऐसे सारे वर्ड्स सच दैट, ऐसे सारे वर्ड्स सच दैट जिसमें नंबर ऑफ ए इन दैट वर्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी इन दैट वर्ड, ये मेरी लैंग्वेज है। समझ में आया लिखने का तरीका, तो ये लैंग्वेज को लिखने का, ये ग्रामर को लिखने का तरीका है और ये लैंग्वेज को लिखने का तरीका है, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से, आपको प्रोडक्शन रूल दिखता है, अगर इस तरीके का आपको प्रोडक्शन रूल दिखता है तो इसको हम बोलते हैं ग्रामर। जैसे कि अभी तक जिन लोगों को समझ में नहीं आया, तो ये जो प्रोडक्शन रूल लिखा है ना इसको हम बोलते हैं ग्रामर, और इस ग्रामर से जो जो वर्ड्स बनने वाले हैं उस पैटर्न को एनालिसिस करके फॉर्मूला बना के लिख दिया, इसको हम बोलते हैं लैंग्वेज। कई बात समझ में,
तो अभी जो प्रीवियस एग्जाम्पल हमने देखा था उसमें हमने लैंग्वेज से ग्रामर बनाना सीखी थी, और अब ये जो दूसरा एग्जाम्पल देखा इसमें हमने ग्रामर से लैंग्वेज बनाना सीखा। आगे बात समझ में धीरे धीरे आने लगेगा, भी नया टॉपिक है ना, नया सब्जेक्ट है, धीरे धीरे बनने लगेगा। अभी तो तीसरी क्लास हुई है, अभी तो पूरा महीना पढ़ने वाले हैं हम इसे, धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। अभी क्वेश्चन समय हम और करेंगे ना, आया समझ में? बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है ना। और मास्टर हो जाओगे, अपने टीचर को भी पढ़ा के आ जाओ, एक बार पूरा सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ लो, बाद में जाकर अपने कॉलेज में अपने टीचर को पढ़ा के आ जाना, कोई टेंशन नहीं, बिंदास, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम है इसलिए लग रहा होगा, जिस जिन लोगों ने सेकेंड टाइम पढ़ रहे होंगे ना, या जिन लोगों ने ये पहले से पढ़ रखा होगा, उन लोग को एक बार में समझ में आ जाएगा। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन जो लोग पहले से पढ़ चुके होंगे ना, उनको इस सब्जेक्ट से डर लगता होगा, और यहाँ पे पढ़ने के बाद बोलेंगे अरे ये तो इतना इजी था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली अ गिवन लैंग्वेज हैज मैनी ग्रामर दैट जनरेट्स इट। अभी मैंने आपको कहा ना कि एक लैंग्वेज जो होती है उसकी कई सारी ग्रामर हो सकती है, जरूरी नहीं है कि जो मैंने आंसर आपको दिया है वही एक आंसर है, इसके अलावा भी कई आंसर्स हो सकते हैं। बस आपको चेक करना है कि आपकी ग्रामर जो है वो वही वर्ड्स को जनरेट करे जो आपकी लैंग्वेज का पार्ट हो, ऐसे वर्ड्स को जनरेट ना करे जो आपकी लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। तो वही बात यहाँ पर लिखी है कि अगर हमें कोई एक लैंग्वेज दी हुई है तो उसकी एक से ज्यादा ग्रामर हो सकती है जो उस लैंग्वेज को जनरेट करे। जनरली नॉर्मली अ गिवन लैंग्वेज हैज मैनी ग्रामर दैट इट दैट जनरेटेड इवन दो दीज ग्रामर्स आर डिफरेंट। भले ही ये ग्रामर दिखने में आपको अलग अलग लगे, दे आर इक्वेलेंट इन सम सेंस, फिर भी हम इसको इक्वल नहीं बोल के इक्विवेलेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट। अगर आपके पास इवन दो दीज ग्रामर्स आर डिफरेंट, दे आर इक्विवेलेंट इन सम सेंस, किस तरीके से वो सेम है? बी से टू ग्रामर, मान लो कि हमने दो ग्रामर बनाई, एक ग्रामर है G1 और एक ग्रामर है G2। ग्रामर्स क्या? वही प्रोडक्शन रूल, एरो करके जो बनाया है हमने, जो हम एरो करके बनाते हैं वो क्या होती है? ग्रामर होती है, ठीक है। तो मान लो कि हमने दो ग्रामर यहाँ पर बना दी, और इन दोनों ग्रामर को हमने नाम दे दिया G1 और G2, तो इनको हम इक्विवेलेंट कब बोलेंगे? दे जनरेट द सेम लैंग्वेज, अगर ये दोनों सेम लैंग्वेज जनरेट करती है तो, मतलब कि G1 ने जो लैंग्वेज जनरेट करी उसको हम LG1 से डिनोट करेंगे, और G2 जो लैंग्वेज जनरेट कर रही है हम उसको LG2 से डिनोट करेंगे। तो अगर LG1 और LG2, LG ऐसा लग रहा है कि मैं LG का प्रचार कर रहा हूँ, LG1 और LG2 अगर दोनों सेम लैंग्वेज को जनरेट करती हैं तो इसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट ग्रामर। आ गई बात समझ में? सार्थक सेकेंड टाइम पढ़ रहा है, अच्छा समझ में आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं तो ये मान के पढ़ाता हूँ कि आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा, पहली बार पढ़ रहे हो, मैं तो ये मान के पढ़ाता हूँ, ठीक है। आ गई बात समझ में? क्लियर हो गया? आगे बढ़े। तो अब मैंने आप लोग को इतनी नॉलेज दे दी है कि अब आप लोग थोड़ा थोड़ा ग्रामर देखकर लैंग्वेज और लैंग्वेज देख के ग्रामर बना पाओगे, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल करवाता हूँ, एक दो आप लोग करना, ठीक है। चल अब ये ग्रामर आपको दी है, बताओ ये कौन सी लैंग्वेज को जनरेट करेगी, बताओ। ये मैंने आपको ग्रामर दी है, इसको एनालाइज करो। ये वैसे बहुत सिंपल है, ये मैंने करवा चुका है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने करवा चुका है। अगर आप नॉर्मली लिख कर ना बता सको तो थ्योरेटिकली बता दो, थ्योरेटिकली बता दो कि ये क्या पैटर्न बनाने वाला है, ये जो ग्रामर लिखी है इससे क्या पैटर्न बनने वाला है, बताओ। ए कितनी बार आएगा, बी कितनी बार आएगा, ए स्टार्टिंग में आएगा या बीच में भी आ सकता है, बी स्टार्टिंग में आएगा या बीच में भी आ सकता है या एंड में आएगा। ठीक है, अब जिन लोगों को नहीं समझ में आया ध्यान से देखना। अब ये अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि एस जो है वो रिप्लेस, एस से हम कहां पर जाएंगे? A S A A B, और एस से हम जा सकते हैं लैम्डा पर भी, है ना। ये दो दो लाइन को एक साथ लिखने का तरीका होता है। अगर मान लो कि मेरे पास ये दो प्रोडक्शन रूल है,
तो ये दो प्रोडक्शन रूल, क्योंकि दोनों का स्टार्टिंग सिंबल सेम है, तो अगर दो हमारे पास प्रोडक्शन रूल हो जिनका स्टार्टिंग सिंबल सेम है तो हम उसको एक साथ भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये शॉर्टकट है लिखने का तरीका, ठीक है। उसी तरीके से ए से हम चाहें तो ए ए बी पर भी जा सकते हैं, और अगर हम ए से चाहें तो लैम्डा पर भी जा सकते हैं। तो ये जो मैंने प्रोडक्शन रूल ये दूसरा वाला लिखा है उसको उसका एक्चुअल में ये दो प्रोडक्शन रूल है, उस दो प्रोडक्शन रूल को शॉर्टकट में एक तरीके से लिख सकते हैं। तो ये जो डंडा बना हुआ है ना, ये बार बना हुआ है, ये ऑब्लिक है, मतलब ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। आई बात समझ में? फर्स्ट टाइम जब खुद से बढ़ा था, ठीक है, बहुत इजी लग रहा है अब। गुड, नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बी एंड टाइम, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ ए जो है वो पहले आएगा और बी जो है वो बाद में आएगा। अब अगर हम इसमें देखें तो पहले हम थोड़ा सा बनाकर देखते हैं कि क्या क्या बन सकता है। तो पहले तो एम्प्टी स्ट्रिंग बन सकती है, क्योंकि हम एस से डायरेक्टली लैम्डा पे जा सकते हैं। तो अगर हम एस से लैम्डा पे जा सकते हैं, इसका मतलब मेरी एम्प्टी स्ट्रिंग हो सकती है सबसे छोटी स्ट्रिंग। उसके बाद हम एस से ए ए बी पर गए और फिर ए की जगह पर लैम्डा रख दिया, मतलब कि मेरे पास ए बी मिल गया, मतलब ए बी भी मिल सकता है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम एस से जाएं ए ए बी पर और फिर इस ए की जगह पर मैं लिख दूं ए ए बी, ठीक है। और बी तो पहले से लिखा हुआ था, तो ये जो बीच वाला ए था, ये जो बीच वाला ए था, इसकी जगह पर मैंने लिख दिया ए ए बी, और फिर इस ए की जगह पर मैंने लैम्डा रख दिया, तो मेरे पास आ जाएगा ए ए बी बी। तो इसका मतलब ए ए बी बी भी आ सकता है। इसका मतलब कि मेरे पास नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी बराबर तो होंगे ही, लेकिन ए जो है वो स्टार्टिंग में आएगा और बी जो है वो एंड में आएगा। तो इस और एम्प्टी स्ट्रिंग भी हो सकती है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ऐसे सारे वर्ड्स जिसमें कि ए पावर एन होगा और बी पावर एन होगा, और एन की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी, मतलब जीरो भी हो सकता है। फिर ए एन की जगह अगर मैं वन रखूंगा तो ए बी, तो ये इसकी लैंग्वेज आ गई। जरा देखो, अब चेक करो कि क्या ये जो मैंने लैंग्वेज लिखी है वो सही लिखी है। ए जो है वो स्टार्टिंग में आएगा, बी जो है वो बाद में आएगा। नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी सेम होंगे, क्योंकि दोनों की पावर में मैंने एन लिखा हुआ है और जीरो से स्टार्ट हो सकता है। आई बात समझ में? थैंक यू सो मच सर, मैंने आपका सी लैंग्वेज का ऑल वीडियोस देखा, आज मेरे सी लैंग्वेज का पेपर था, बहुत ही सिंपल था मेरे लिए। मैं महाराष्ट्र से हूँ, SPPU यूनिवर्सिटी से। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। देखो, अगर आप खाली YouTube के वीडियो देखकर तो एग्जाम तो ऐसे निकल जाएगा, मैं बता रहा हूँ। अगर आप कॉलेज लेवल पे पढ़ाई करना चाह रहे हो ना, तो कॉलेज लेवल की पढ़ाई तो आप टॉप कर जाओगे मेरे सिर्फ YouTube के वीडियो देखकर। और अगर आप उसमें मास्टर बनना चाहते हो तो पेड कोर्स ले लो, आप टीचर को भी पढ़ा के आ जाओगे, ठीक है ना। चलो, तो ये समझ में आ गया, तो ये आपकी लैंग्वेज हो गई। सबका यही आ रहा है, आया समझ में कि किस तरह से ग्रामर को देखकर लैंग्वेज बनाना है? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, अब इम्प्रूवमेंट लग रहा है, ठीक है। चलो, तो ये हमारे पास लैंग्वेज आ गई, ठीक है, ये हमारे पास लैंग्वेज आ गई जो इस ग्रामर की है, ठीक है। ए पावर एन, बी पावर एन, वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। आ गई बात समझ में? और एग्जांपल करवा रहा हूं, करो ये वाला, अब उल्टा दिया है मैंने। इसमें थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा सा बस डाउट है ना, लैंग्वेज से ग्रामर बनाने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है, लेकिन वो भी नहीं होगी, अब धीरे धीरे वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोगों को ये लैंग्वेज दी हुई है, अब इससे ग्रामर बनानी है, निकालो, ठीक है। एनालाइज करो पहले, एनालाइज करो कि किस तरह की वर्ड्स इसके अंदर आएंगे। एन की वैल्यू जीरो हो सकती है, ठीक है, एन की वैल्यू जीरो हो सकती है, इसका मतलब सबसे छोटी स्ट्रिंग ऐसी हो सकती है जिसमें ए ना आए। और एम जो है वो बी की पावर में है, और एम जो है वो एन से बड़ा होगा, तो एम अगर एन से बड़ा होगा इसका मतलब कि कम से कम एक बी तो आएगा ही आएगा, कम से कम एक बी तो आएगा ही आएगा, मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग यहां पर नहीं हो सकती, एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं हो सकती, कम से कम बी तो आएगा ही आएगा। अगर एन की वैल्यू वन रख दूं, अगर एन की वैल्यू अगर मैं वन रख दूं, मतलब ए एक बार आएगा, और एन से बड़ा होगा एम, एन से बड़ा होगा एम, मतलब कि बी एक बार भी आ सकता है, बी दो बार भी आ सकता है, बी तीन बार भी आ सकता है, कितनी बार भी आ सकता है। अगर एन की वैल्यू टू रख दूं, एन की वैल्यू टू रख दूं, तो इसका मतलब ए दो बार आएगा,
बी कम से कम 3 बार तो आएगा ही आएगा, क्योंकि अगर एन की वैल्यू 2 रख दी, अगर एन की वैल्यू 2 रख दी तो एम की वैल्यू उससे ज्यादा होगी, इक्वल टू भी नहीं लगा, उससे ज्यादा होगी। मतलब कि अगर एक एन की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूं तो ए 2 बार आएगा, बी कम से कम 3 बार आएगा, बी 4 बार भी आ सकता है, बी 5 बार भी आ सकता है। ये इसका पैटर्न बन गया, ठीक है? तो ये इसका आप लोगों ने पैटर्न बना लिया। अब इससे आपको ग्रामर बनानी, इसको देखकर आपको ग्रामर बनानी, ठीक है? तो अब ग्रामर कैसे बनेगी? आपको दिख रहा है कि कम से कम एक बी तो चाहिए है, तो आप बोलोगे कि एक काम करो, एस से ए बी पर चले जाओ और ए से लैम्डा चले जाओ। ये हमने रूल बना दिया पहली वाली स्ट्रिंग के लिए। धीरे धीरे करके बनाओ, है ना? ग्रामर अगर आपसे नहीं बन रही है ना, तो सबसे छोटी स्ट्रिंग से पहले बनाओ। सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या है? सबसे छोटी स्ट्रिंग है बी, और आपको दिख रहा है कि बी आखिरी में आने वाला है, तो बी को आखिरी में लिखे। स्टार्टिंग में ए अपेंड करना है। स्टार्टिंग में ए अपेंड कैसे होगा? स्टार्टिंग में ए अपेंड करने के लिए, अच्छा यहां पर ये मैंने गलत लिख दिया, नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी बराबर लिख दिए, यहां पर ये वाला वर्ड नहीं बन सकता क्योंकि नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी बराबर नहीं होंगे, है ना? तो ये मैंने गलत बना दिया, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी बराबर नहीं हो सकते, ठीक है? ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर एन एन और एम जो है वो इक्वल टू का साइन यहाँ पर नहीं लगा, ठीक है? तो हमारे पास अब ये वाला वर्ड मुझे बनाना है। अब ये वाला वर्ड बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? ए बी अपेंड करना है स्टार्टिंग में। तो ए बी कैसे अपेंड होगा? ए की जगह पर, ए की जगह पर मुझे ए बी लाना है। इसका मतलब ए की जगह पर मैं ए ए बी लिख सकता। तो क्या कर सकते हैं हम? पहले हमने एस की जगह पर ए बी लिया और इस ए की जगह पर मैं ए ए बी लिख दूंगा, तो क्या हो जाएगा? एस की जगह पर हमने ए बी लिया और इस ए की जगह पर मैंने लिख दिया ए ए बी, और बी तो पहले से ही था, तो इस ए की जगह पर मैंने लिख दिया ए ए बी, और ए की जगह पर लैम्डा रख देंगे, तो ए की जगह पर लैम्डा रख देंगे तो ए बी बी, मतलब ये वाली स्ट्रिंग मेरी बन गई। तो ये मेरे पास एक प्रोडक्शन रूल और आ गया। अब आप जरा चेक करो कि क्या ये 3 प्रोडक्शन रूल को इस्तेमाल करके सारी स्ट्रिंग्स बन जाएगी। जरा आप चेक करो, आप चेक करो कि क्या इन 3 प्रोडक्शन रूल को इस्तेमाल करके क्या आपकी ये सारी स्ट्रिंग बन जाएगी। अगर ये बन गई तो इसका मतलब यही आपका आंसर है। चेक करो, और ये चेक करो कि ये गलत है। मैंने कहा ना, आप ये तो चेक करो कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है आप, लेकिन इसको गलत मानो। आप ये मत मानो कि जो मैंने बनाया है वो सही है, आप ये मानो कि ये गलत है, और फिर चेक करो कि क्या ये सच में गलत है, क्या ये ऐसे वर्ड को जनरेट कर रहा है जो इसके अंदर नहीं है। जैसे कि इसके अंदर ए बी नहीं है, इसके अंदर ए बी नहीं है, तो आप देखो कि क्या मेरा ये जो ग्रामर है क्या ये ए बी बना सकता है? क्या नहीं बना पाएगा? क्योंकि हमारा शुरुआत होगी एस से, शुरुआत हमेशा एस से होगी। आप ऐसा मत बोलना कि सर एक काम करें, ए की जगह ए बी लिख दिया और फिर ए की जगह पर लेमडा लगा दिया तो ए बी बन जाएगा। नहीं बन सकता, ए से शुरुआत नहीं कर सकते आप। स्टार्टिंग सिंबल एस है, आपका जो स्टार्टिंग सिंबल है वो एस है, तो आप स्टार्ट हमेशा एस से ही करोगे, ए से स्टार्ट नहीं कर सकते। ए आपका इंटरमीडिएटली आप इस वेरिएबल को यूज कर सकते हो, स्टार्टिंग के लिए नहीं। तो इसमें कभी भी ए बी नहीं बनेगी इस ग्रामर से, इसलिए यहां पर मैंने 2 वेरिएबल लिए हैं। तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि कब आपको ए, मतलब कब आपको 1 वेरिएबल लेना है, कब आपको 2 वेरिएबल लेना है, कब आपको 3 वेरिएबल लेना है। धीरे धीरे आपकी थॉट प्रोसेस डेवलप होती जाएगी, ठीक है? तो ये बिल्कुल सही ग्रामर है। आ गई बात समझ में? चलो एक एग्जाम्पल और देता हूं। ये वाला करो, इसके लिए ग्रामर बनाओ। यहां पर हमारे पास जो नंबर ऑफ ए है और नंबर ऑफ बी जो है वो डबल होंगे, मतलब जितने बार ए आएगा उससे डबल बार बी आएगा। बहुत सिंपल ग्रामर है, बनाओ। आपका पहले तो एम्प्टी स्ट्रिंग बन सकता है, क्योंकि एन की वैल्यू 0 है तो एम्प्टी स्ट्रिंग बन सकता है। अगर ए एक बार आएगा तो बी 2 बार आएगा, अगर ए 2 बार आएगा तो बी 4 बार आएगा, ठीक है ना? इस तरीके से, इस तरीके से आपका वर्ड बनता जाएगा। तो अब आप इसके लिए लैंग्वेज ग्रामर बनाओ, ठीक है? तो एस से आप लैम्डा जा सकते हो क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो एस से आप लैम्डा भी जा सकते हो, या फिर एस से आप ए एस बी भी जा सकते हो। मतलब ए जितनी बार आएगा
उसका डबल टाइम दिया है, ठीक है। तो ये चेक करो कि ये ग्रामर क्या सही होगी आपके लिए। आप एस से लैम्डा जा सकते हो तो आपकी पहली स्ट्रिंग बन जाएगी, और फिर आपको दूसरी स्ट्रिंग बनानी है, तो ए एक बार आना चाहिए और बी दो बार आना चाहिए, तो ए एक बार लिया, बी दो बार लिया, और फिर बीच में लगा दिया एस, क्योंकि बीच में आपका ए बी 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 आ सकता है, ए बी बी, ठीक है। तो ये एक एस की जगह पर आ सकता है, ये एस की जगह पर आ सकता है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया ए बी बी, और इसके बीच में ए बी बी की जगह पर एस लगा दिया, और इसको रिपीट करते जाएंगे और कभी भी हम उसको लैम्डा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये आपकी ग्रामर बन गई, आ गई बात समझ में। तो सबसे पहले लैंग्वेज को देखकर वर्ड्स बनाओ, और उस वर्ड को देखो कि उस वर्ड को बनाने के लिए सबसे छोटे वाले वर्ड से शुरू करो, कि सबसे छोटा वाला वर्ड बनाने के लिए हमें क्या प्रोडक्शन रूल लगेगा, और फिर उसके बड़े वाले वर्ड बनाने के लिए हम क्या प्रोडक्शन रूल लगा सकते, ठीक है। बनने लगा, कॉन्फिडेंस आया थोड़ा, ठीक है। तो अब आप लोगों को आई थिंक काफी कुछ आ गया है। अब आपको लैंग्वेज से ग्रामर बनाना आ गई है, ग्रामर से लैंग्वेज बनाना आ गई है, अब आपको लैंग्वेज पता चल गई है क्या हो गया, ग्रामर पता चल गई है क्या होता है, ऑटोमेटा क्या होता है आपको ये भी पता चल गया। अब धीरे धीरे अब हम टाइप्स ऑफ ऑटोमेटा नेक्स्ट क्लास से पढ़ना शुरू कर देंगे। अब नेक्स्ट क्लास से हम टाइप्स ऑफ ऑटोमेटा पढ़ेंगे और देखना देखेंगे कि किस तरीके से हम ऑटोमेटा बना सकते हैं। बिल्कुल आप भी बना लोगे ऐसे जैसे मैं बना रहा हूँ ना, जैसे गौतम ने पूछा सर आप तो बना ले रहे हो हम कैसे बनाएंगे, वही तो मैं सिखा रहा हूँ, थॉट प्रोसेस तो सिखा रहा हूँ। आपको बनाना है तो क्या करोगे, जो मैंने कर रहा हूँ ना वही आपको करना है। आपने लैंग्वेज देखी, लैंग्वेज को देखकर आप वर्ड्स बनाओ, ठीक है ना। बहुत सिंपल तरीका है, आप खुद बना लोगे, मैं बता रहा हूँ ना, आप आज एग्जाम्पल करके देखना, और शुरू शुरू में आपको आंसर देखना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही आप 8-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना आपसे बनने लगेगा। सबसे पहले लैंग्वेज देखो, मैं जो तरीका बता रहा हूँ उसको फॉलो करो, सबसे पहले लैंग्वेज देखो और उसके वर्ड्स बनाओ, सबसे पहले वर्ड्स बनाओ और देखो कि सबसे छोटा वाला वर्ड बनाने के लिए क्या प्रोडक्शन रूल लगेगा। तो सबसे छोटा वाला रूल बनाने के लिए मुझे ये वाला प्रोडक्शन रूल लगेगा, फिर उससे बड़ा नंबर बनाने के लिए मुझे कौन सा प्रोडक्शन रूल लगेगा, और उससे बड़ा बनाने के लिए क्या लगेगा। ऐसे 2-3 लाइन का प्रोडक्शन रूल बनाओगे, अपने आप चीजें बनती जाएगी। अगर आपको लगे कि नहीं एक वेरिएबल से नहीं हो सकता काम, तो दूसरा वेरिएबल ले लो। आपको लग रहा है 2 वेरिएबल से काम नहीं हो रहा, तीसरा वेरिएबल ले लो। 3 वेरिएबल से काम नहीं हो रहा, चौथा वेरिएबल ले लो। प्रोडक्शन रूल बढ़ाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कि कितने प्रोडक्शन रूल बनाना है, धीरे धीरे बनने लगेगा, ठीक है ना। सर एक हेल्प चाहिए सर, प्लेसमेंट स्टार्ट हुए हैं बट सर जो कोड में दे रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा है कि उसे कैसे करना है। तो देखो कोडिंग अगर आपको नहीं आ रही है ना, आप मेरा डेटा स्ट्रक्चर का पेड कोर्स ले लो। अगर आपको सी लैंग्वेज अच्छे से आता है और आपको कोडिंग में डेवलप नहीं हो पा रहा, आपकी थिंकिंग डेवलप नहीं हो पा रही है कि कोडिंग कैसे लिखें, कैसे समझ में आएगा कि यार ये कोड लिखना है, आप मेरा डेटा स्ट्रक्चर का पेड कोर्स ले लो, नीचे वेबसाइट पे से pratikjainacademy.com। आप भले ही ये सोचोगे कि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, टाइम देखते देखते सब निकल जाएगा, और आप कुछ भी अगर आपको सीखना है तो ऑब्वियसली आपको डिटेल में जाना पड़ेगा। मैंने कहा ना यूट्यूब की मेरी क्लासेस बहुत सफिशियंट होती है, मोर देन सफिशियंट होती है आपके कॉलेज के एग्जाम निकालने के लिए, लेकिन अगर आपको प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो आप इसका पेड कोर्स ले लो, सस्ते होते हैं। मेरे जो पेड कोर्सेस होते हैं वो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में मैं रखता हूँ, और आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। मैं तो मनी बैक गारंटी भी दे देता हूँ कि अगर आपको लग रहा है 2-3 दिन पढ़ने के बाद कि नहीं मुझे समझ में आ रहा, आप मुझसे बोल दो, आपको मैं मनी बैक दे दूंगा, है ना। इतना ओपनली कोई नहीं बोल सकता, वही बोल सकता है जिसको अपने कंटेंट पे भरोसा है। ऑफलाइन क्लासेस जो है वो भोपाल में होती है हमारी, ठीक है। हाँ ये इनफाइनाइट लैंग्वेज है, बिल्कुल सही कहा, वेरी गुड वेरी गुड। शशि ने कहा ये इनफाइनाइट लैंग्वेज है, बिल्कुल सही कहा, ये इनफाइनाइट लैंग्वेज है क्योंकि इसके अंदर कितने भी हमारे वर्ड्स बन सकते हैं, ठीक है। तो हाँ मुझे पता है ना गौतम, मैं तुमको जानता हूँ, तुम काफी साल से ये चैनल को फॉलो कर रहे हो। बाकी अगर डिटेल में पढ़ना है तो ये एक पेड कोर्स मेरा रखा हुआ है, कई सारे पेड कोर्सेज रखे हैं, आप इस वेबसाइट को विजिट करो, आपको इसमें कई सारे पेड कोर्सेज मेरे मिल जाएंगे। सी लैंग्वेज का मिल जाएगा, अभी जावा भी मैंने स्टार्ट किया है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम का भी 1-2 यूनिट मेरी कंप्लीट है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, एप्टीट्यूड के भी वीडियोज मिल जाएंगे, ऐसे कई सारे आपको मिल जाएंगे सब्जेक्ट जिनके की आपको पेड कोर्स में वीडियोज मिल जाएंगे। तो अगर यूट्यूब पे अगर मैं इतना फ्री में पढ़ा रहा हूँ तो ऑब्वियसली पेड कोर्स में चीजें कंटेंट ज्यादा ही मिलेगा और डिटेल में मिलेगा। तो किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको मास्टरी चाहिए हो आप ले लो कोर्स बिना टेंशन के और पढ़ाई स्टार्ट करो, ठीक है। कोडिंग वोडिंग में प्रॉब्लम है तो कोडिंग में लॉजिक तभी नहीं बन पाता है जब हमें डीएस एल्गो हमारा वीक होता है, तो डीएस एल्गो आप एक बार पढ़ लो अच्छे से, आपका लॉजिक बिल्ड होने लगेगा, ठीक है। चलिए
तो थैंक यू वेरी मच, कल हम कंटिन्यू करते हैं ऑटोमेटा का आगे वाला पार्ट और आगे पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। अगर हो सकता है कि कल की क्लास किसी कारण से ना हो पाए, क्योंकि मुझे एक अर्जेंट वर्क पे जाना है, तो अगर कल की क्लास ना हो पाए तो आपके लिए लॉटरी है। क्यों? क्योंकि आप इसकी प्रैक्टिस कर लो, जितने भी हो सकता है लैंग्वेजेस और ग्रामर बनाकर देख लो, ठीक है, ताकि अगर नेक्स्ट क्लास परसों जब होती है तो हमारी DFA एंड DFA की क्लास होगी, DFA की जिसमें हम ऑटोमेटा बनाना सीखेंगे, तो वो आपको हेल्प करेगा। तो अगर आपको एक दिन का अगर मैं टाइम दे रहा हूँ, तो उसमें जितने ज्यादा हो सकता है लैंग्वेज और ग्रामर पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बिल्कुल आपको अच्छे से अच्छा कोर्स मिल जाएगा, परेशान मत हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।